हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुषमा पाल, नेचुरोपैथी फिजिशियन एंड ड्रग कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ जो कि सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। ये फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक वेजिटेबल के बारे में जो कि एक फ्रूट्स भी है और उसका आटा भी बनाया जाता है। आप उसका रोटी बनाकर भी यूज कर सकते हैं या फिर पूरी बनाकर भी उसका यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके माइंड में किस चीज का इमेज बन रही है आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रही हूँ वाटर चेस्ट नट के बारे में, या जिसको हम लोग सिंघाड़ा बोलते हैं। तो आज जानेंगे सिंघाड़े के फायदे के बारे में और इतने ज्यादा आपको अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में आज पता चलने वाला है जो कि अभी तक शायद आपको नहीं पता होगा कि इतना जो सस्ता फ्रूट आता है उसमें इतने सारे गुण हो सकते हैं और आपको इतने सारे बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। फिर इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किसको इस फ्रूट का यूज नहीं करना चाहिए, मतलब कि कौन लोग सिंघाड़े का यूज नहीं कर सकते हैं या किसको अवॉइड करना चाहिए, कितनी मात्रा में आप एक दिन में इसका यूज कर सकते हैं और किस तरह से इसको किस टाइम इसका यूज करना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे फ्रेंड्स इसी वीडियो में, और पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लीजिए जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। फ्रेंड्स, जब मैं बात कर रही हूँ सिंघाड़े के बारे में या वाटर चेस्ट नट के बारे में, तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और बहुत लो मात्रा में कैलोरीज होती है। तो अगर किसी को वेट लॉस करना है या फिर जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, वेट बहुत बढ़ा हुआ है, वो लोग अगर सिंघाड़े का यूज करते हैं तो उनको ये वेट लॉस होने में भी हेल्प करता है। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं, तो ये रिच फाइबर्स होने की वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो अगर जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है वो लोग अगर इसका यूज करते हैं तो उनका डाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि ये जो फाइबर होते हैं वो इजिली आपके खाने को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगला होता है फ्रेंड, अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, हाइपोथायरॉइडिज्म जिसको प्रॉब्लम है, मतलब कि जिसके थायराइड लेवल कम रहता है। फ्रेंड्स, ये जो थायराइड होता है ये हमारी यहाँ पे ग्लैंड होती है गले में, एच शेप की ये जो ग्लैंड होती है इसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, और इसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए या अच्छे से प्रोसेस करने के लिए एक फ्यूल की जरूरत होती है जिसको हम लोग आयोडीन बोलते हैं। और इस सिंघाड़े में आयोडीन मौजूद होता है जो कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन होता है इसको इम्प्रूव करता है, और अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम है तो भी इसको ये प्रिवेंट करने का काम करता है। अगला फ्रेंड्स, अगर इसके यूज के बारे में बात करें या बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, जिसका बीपी बढ़ा रहता है, वो लोग भी सिंघाड़े का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है सिंघाड़ा ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करता है। तो अगर आपका बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा रहता है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है तो भी ये आपकी हार्ट जो हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसको भी डाउन करने में हेल्प करता है। अगला फ्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं, विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन B2 होता है जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको सिंघाड़े का यूज करना चाहिए जिससे कि आपकी जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है वो भी कम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एज बढ़ने के साथ साथ में स्किन पे झुर्रियां आने लगती हैं, स्किन लटकने लगती है, ढीली होने लगती है, डार्क सर्कल टाइप से आने लगते हैं, वो भी उससे भी काफी हद तक आपको इससे निजात मिलती है। फ्रेंड्स, इसमें विटामिन B6 भी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी जो ब्रेन फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है, और जो अल्जाइमर जैसी भी डिजीज होती है उनको भी काफी हद तक ये कम करता है। तो आपको इन सारी चीजों से बचने के लिए अगर आप सिंघाड़े का यूज करते हैं तो काफी हद तक आप इससे बच सकते हैं। अगला फ्रेंड्स, इसमें जो बेनिफिट इससे मिलता है वो होता है इनफर्टिलिटी की, अगर किसी को प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, मेल पर्सन में अधिकतर देखा जाता है आजकल कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है और वो बेबी कंसीव करना चाहते हैं बट हो नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप सिंघाड़े का यूज करते हैं तो ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने का काम करती है या फिर स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको भी अच्छा करता है। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम से काफी हद तक आपको छुटकारा मिल सकता है।
इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, जो कि आपकी जो फ्री रेडिकल से जो डैमेज होता है, जो कि स्किन पे प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि झुर्रियां आने लगती हैं वो, या एजिंग की प्रॉब्लम आने लगती है, उससे भी काफी हद तक आपको निजात दिलाता है। जो वाटर चेस्टनट है इसमें लगभग 70 से 75% वाटर पाया जाता है, वाटर इसमें कंटेन होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसका यूज करते हैं तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है, और अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं है तो आप इसका यूज कर रहे हैं तो ये हाइड्रेशन की को भी बॉडी को आपकी हाइड्रेट रखेगा और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है इससे। फ्रेंड्स ये भी लास्ट में वीडियो में जानेंगे कि आपको पर डे कितना क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आदि हर चीज की बुरी होती है। अगर मैंने इतने सारे बेनिफिट्स आपको बताए तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में पेट भर के आपको सिंघाड़े का यूज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और कितनी आपको, जैसे कि इसमें प्रोटीन भी होता है, तो अगर आप 100 ग्राम सिंघाड़े का यूज करते हैं तो लगभग आपको 10 ग्राम इसमें कैलोरी मिलता है, या प्रोटीन सॉरी 10 ग्राम प्रोटीन इसमें आपको मिलता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए सफिशियंट होता है। तो ये आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, मसल्स को बिल्डअप करने का काम करता है, तो आपको सिंघाड़े का अगर आप यूज करते हैं तो ये मसल्स को भी बिल्ड करेगा या फिर मजबूत बनाएगा। फ्रेंड्स ये इसके कुछ कॉमन बेनिफिट्स हो गए। अब जान लेते हैं कि इसको यूज कब नहीं करना चाहिए, किन किन व्यक्तियों को इससे अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रही है, या फिर अभी है अवेलेबल है किडनी स्टोन है, या फिर बहुत जल्दी जल्दी उसको सर्दी जुकाम बुखार रहता है, या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड की प्रॉब्लम है एट प्रेजेंट टाइम, तो भी उसको अवॉइड करना चाहिए सिंघाड़े का यूज करने से, क्योंकि फ्रेंड्स जो सिंघाड़ा होता है इसकी तासीर ठंडी होती है। तो अगर आप ठंडे के मौसम में आपको पहले से ही कोल्ड है, जुकाम है, खांसी है, उस कंडीशन में अगर आप सिंघाड़े का यूज करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो इन अगर चीजें आपको हैं तो फिर आपको यूज इसका नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको कोई इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, या आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही से नहीं हो रहा है, ये जो गुड बैक्टीरिया है आपके इंटेस्टाइन में वो अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, तो भी सिंघाड़े को अवॉइड करना चाहिए आपको। तो कब कब अवॉइड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको इन्फॉर्मेशन मेरी सही लग रही हो, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ज्यादातर लोगों तक इसको शेयर करिएगा, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में आपको सिंघाड़े का यूज करना चाहिए। तो पर डे आपको लगभग 100 ग्राम सिंघाड़े का यूज करना चाहिए। अगर आप काउंट करके देखें तो 8 से 10 सिंघाड़ा या 10 से 12 सिंघाड़ा ही आपको एक दिन में खाना चाहिए, इससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि अति बुरी होती है, तो बहुत ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, तभी आपको इसको अच्छे से इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है जब इसका यूज नहीं करना चाहिए, वो है अगर आपका पहले से ही ब्लड प्रेशर लो है, बीपी लो है, तो भी सिंघाड़े का यूज नहीं करना चाहिए, आपको सिंघाड़े को अवॉइड करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये डाउन कर देगा आपके ब्लड प्रेशर को। बट अगर ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर कम है, डाउन रहता है, तो अगर आप इसका यूज करते हैं, इसका सेवन करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है, जो कि आपके लिए डेंजर साबित हो सकता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आप कोशिश करिए इसको अवॉइड करने की, या फिर बहुत कम मात्रा में ले, 2 से 3 आप सिंघाड़े खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, ये पूछते हैं कि किस टाइप से इसका यूज़ करना चाहिए। तो मैंने फ्रेंड्स स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सिंघाड़ा है ये फ्रूट भी है, एक तरह की सब्जी भी है, और ये इसकी रोटी भी बना के आटा भी मिलता है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको रॉ सिंघाड़ा, कच्चा सिंघाड़ा छील के खाने में अच्छा लगता है तो आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसको बॉईल करके खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको बॉईल करके भी खा सकते हैं। और कुछ लोग तो बॉईल इसलिए करते हैं कि जो इसकी तासीर मैंने बोला ठंडी होती है, तो अगर आप ठंडी के मौसम में इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको ठंड ना लगे या फिर आपको बैड इसके इफ़ेक्ट ना मिले, तो लोग इसको बॉईल कर लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप से हो जाता है, इसकी जो तासीर जो ठंडी है वो थोड़ा न्यूट्रल हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होता है। तो आप बॉईल करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो वाटर चेस्टनट है आपको साल में सिर्फ 1 महीने ही मिलता है, हमेशा नहीं अवेलेबल रहता है,
इसका आटा जो है वो आप किसी भी मंथ में इसको यूज कर सकते हैं, व्रत में और स्पेशली नवरात्र में इसका यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये आपकी जो ग्लूटेन वाली प्रॉब्लम है उसको भी कम करता है। कुछ लोग जो ओवर ईटिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा जिनको खाना पसंद होता है और वो अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो वो लोग भी अगर सिंघाड़े का यूज़ करते हैं तो ये बार बार आपको भूख नहीं लगने देता है, आपकी जो एक्स्ट्रा ईटिंग की पावर है उसको कम करता है, जिससे कि आपका वेट भी धीरे धीरे लॉस होने लगता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि इतने सारे इसमें बेनिफिट्स होते हैं, तो अगर आप डेली गेहूं के आटे की ही सिर्फ रोटी खाते हैं या गेहूं का ही आटा यूज़ करते हैं, तो आप हफ्ते में या फिर महीने में 2 से 3 बार इसको स्किप करके सिंघाड़े के आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसमें भी आप यूज़ कर रहे हैं तो कितना लेना है, आपको मैक्सिमम सिर्फ 2 रोटी ही खाना है, इससे ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर अगर आप डेली इसका यूज़ करना चाह रहे हैं तो 1 चम्मच आप सिंघाड़े का आटा ले करके सत्तू की तरह से इसको आप 1 ग्लास पानी में इसको घोल करके उसमें नींबू और नमक भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको पीते हैं तो भी आपको पूरे दिन भर की एनर्जी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरी कोशिश की सिंघाड़ा के बारे में इंफॉर्मेशन देने की, इसके बेनिफिट्स के बारे में बताने की और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या क्या इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाएंगे, या फिर कब इसको अवॉइड करना चाहिए, तो सारी चीज़ें मैंने बताई। आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई होगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अमेजिंग बेनिफिट्स वाले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।